बीजेपी की पोल खुलने पर बजाई थी ताली, अपनी बारी पर देने लगे गाली। सूबे के सूचना आयुक्त पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का दिया एजेंट करार, पहले तारीफ अब तोहमत क्यों। वक्त वक्त की बात है, एक वक्त था जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और सूचना आयुक्त अनिल शर्मा के खुलासों से खुश होकर कांग्रेस उनकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। आज वक्त बदला तो उन्हीं सूचना आयुक्त पर लगा रही है तोहमत। बीजेपी की पोल खुलने पर बजाई थी ताली, अपनी बारी पर देने लगे गाली। सूबे के सूचना आयुक्त पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का दिया एजेंट करार, पहले तारीफ अब तोहमत क्यों। दरअसल सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने जहां आपदा घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने सूचना आयुक्त पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया है। दूसरे के दामन पर दाग किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन दामन अपना हो तो दिल दर्द से भर ही आता है। कुछ ऐसी ही भूमिका बन रही है देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों। कल तक कांग्रेस को अच्छे लगने वाले सूचना आयुक्त आज बदले बदले से नजर आते हैं, यूं कहिए कि बीजेपी के साथ मिले नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, संबंधित जो चुनाव जो सूचना आयुक्त हैं, उनके साथ मिल करके एक अच्छी सरकार को, एक पॉपुलर सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो तथा जो संबंधित सूचना आयुक्त हैं, उनके साथ मिल करके उनकी कॉल डिटेल्स की जानकारी करनी चाहिए, किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुई। बीते वक्त में जब बीजेपी की सरकार थी, एनआरएचएम और कुंभ घोटाले को लेकर कांग्रेस ने ही थपथपाई थी अनिल शर्मा की कमर, लेकिन अब अपनी सरकार में आपदा घोटाले पर बदल गए। सीबीआई की सिफारिश कर दी तो क्या सितम कर दिया। शर्मा जी की माने तो संवैधानिक दायरे को लांघा ही नहीं। लक्ष्मण रेखा तो कल भी वही थी, आज भी वही है। ऐसा है, ये संवैधानिक संस्था है और हमने कानून के दायरे में रह के सारे काम करे हैं। और जहां तक सवाल इस चीज का है कि मैं संविधान को जानता हूं, कानून औरों से बहुत अच्छा जानता हूं। अब ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा। नजर बदलती है तो नजरिया बदल जाता है, राजनीति में तो वैसे भी रवायत बदल जाती है। कल तक सूचना आयुक्त को कोसने वाली बीजेपी आज कसीदे पढ़कर कांग्रेस को कोस रही है। देखिए, आपदा में जो कांग्रेस की सरकार के टाइम में घोटाले हुए, यदि उसकी सीबीआई जांच होगी तो जब से उत्तराखंड बना और अब तक का वो सबसे बड़ा घोटाला होगा। सरकार पे सीबीआई की जांच करने का दबाव है, इसलिए कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप खींच मिटा रहे। वहीं अब बात निकली है तो दूर तक गई और लौटी तो दूरदर्शिता के साथ। मुखिया का मन भी मानता है कुछ तो है। आयुक्त का अधिकार सीमित है, वो केवल सूचना मांग सकते हैं और सूचना न देने वाले को दंडित कर सकते हैं, जजमेंट किसी चीज में पास नहीं कर सकते। बहरहाल कल उनका सवाल था, आज इनका सवाल है। वैसे भी हर सवाल सरकार के हिस्से में ही आएगा, इसलिए तो सवाल है, पहले क्यों कर रहे थे तारीफ और अब क्यों लगा रहे हैं तोहमत। कहते हैं भ्रष्टाचार रोकना है तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के तो हाल ही बुरे हैं। वे तो उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो भ्रष्टाचार को खोलने का काम करते हैं। इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर हैं प्रदेश के सूचना आयुक्त अनिल शर्मा, जिन्होंने आपदा राहत घोटाले को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है, कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। तो आपदा राहत घोटाले का खुलासा होने के बाद सूचना आयुक्त कांग्रेस सरकार के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पहले तारीफ अब तोहमत क्यों। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जब कुंभ और एनआरएचएम का घोटाला था, जब बीजेपी की सरकार थी सूबे में, उस वक्त तो कांग्रेस लगातार इनकी तारीफ पर तारीफ कर रही थी, लेकिन आज तोहमत क्यों। और वही हाल बीजेपी का है, उस वक्त पानी पी पीकर कोसा सूचना आयुक्त को बीजेपी ने और आज ईमानदार बता रही है। गायत्री, मैं व्यक्तिगत तौर पर और समाचार प्लस के
तौर पर अनिल शर्मा जी को बधाई देता हूँ, वो साहसी व्यक्ति हैं और निष्ठा से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब उसकी आंच निशंक जी तक पहुंची हो या हरीश रावत जी तक पहुंचे, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं सारे पैनलिस्ट से एक बात कहूंगा, सचान साहब बैठे हैं, हमारे मित्र धस्माना जी हैं, मुन्ना सिंह जी आने वाले हैं, मैं सबसे एक बात कहूंगा, आज जो मैं विषय लाया हूं मित्र, ये इसलिए नहीं लाया कि अनिल शर्मा पर फोकस करके बहस करनी, नहीं, मैं इसलिए इस बहस को इसलिए लाया क्योंकि किशोर उपाध्याय ने इस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। किशोर उपाध्याय भी मेरे मित्र हैं, फिर भी मैं उनकी बात से सहमत नहीं। मैं मान लूं एक पल के लिए, जिस व्यक्ति ने सूचना दी प्रमाणिक तौर पर कि घोटाला हुआ, देवभूमि के माथे पर कलंक का टीका लगा, मृत्यु पर उत्सव मनाया गया, उस व्यक्ति ने बीजेपी से साठ गांठ की हो, समाजवादी पार्टी से की हो, अमेरिका से की हो, जापान से की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। चोरी हुई ना, इतनी बात करो, चोरी क्यों हुई इस पर बहस हो। बोले जी वो आदमी नीली कमीज क्यों पहने था जिसने बताई चोरी हुई, मुझे इस पर एतराज है, ये कोई तर्क होता है सार्वजनिक जीवन में, इस बात का क्या अर्थ। बीजेपी की पहल पर भी भ्रष्टाचार का खुलासा हो तो भी स्वागत, कांग्रेस की पहल पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो तो भी स्वागत, अनिल शर्मा की पहल पर हो तो भी स्वागत, और कोई सामान्य व्यक्ति भ्रष्टाचार की पोल खोले उसका भी स्वागत। इसमें ये कहां से भाजपा कांग्रेस क्यों घुसा दिया भाई, इश्यू को डायल्यूट मत करिए। धस्माना साहब, पूरे हिंदुस्तान में देवभूमि के माथे पर ऐसा कलंक लग गया इस घटना से जिसका कोई सानी नहीं। जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आंख में आंसू था उत्तराखंड के लिए, प्रलय जैसी परिस्थितियां थी वहां, उस वक्त अधिकारियों ने, राजनेताओं ने लूट का तांडव मचा दिया, मृत्यु पर इस ढंग का व्यवहार, हजारों लोगों की मृत्यु, हिमालय प्रकंपित हो गया था उस वक्त यह स्थिति। और आज सवाल ये नहीं, इसका जवाब नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार आपने क्यों किया, जवाब सवाल क्या खड़ा किया जा रहा है कि सूचना आयुक्त के पास अधिकार है कि नहीं है, इस पर बहस करना चाहते हैं क्या हम, सूचना आयुक्त जी गोरे हैं कि काले हैं, दुबले हैं कि मोटे हैं, इस तरह के इश्यूज पर बात होगी। आज इश्यू क्या है, आज इश्यू है कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ, जितना बड़ा प्रलय प्रकृति लाई थी उससे बड़ा प्रलय उत्तराखंड के राजनेता और नौकरशाह मिलके लाए। सचान साहब का तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन धस्माना जी और मेरे मित्र मुन्ना सिंह चौहान उस वक्त भी हमारे साथ बहसों में थे जब आपदा आई थी। मैंने एक वाक्य कहा था, वो वाक्य उत्तराखंड भर में प्रचलित हुआ और बहुत ढंग से प्रचलित हुआ, आम आदमी की जुबान पर चढ़ गया, बहुरा जी मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने कहा था ये आपदा आई संपदा लाई, मेरी बात सच सिद्ध होगी, आपदा ने लोगों को धनी बना दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये टूरिज्म हो रहा है, जहाज पर नाते रिश्तेदार घुमाए जा रहे हैं, उस वक्त भी कहा था। ये तो एक चावल दिखाया है, एक चावल अनिल शर्मा ने, पूरी देगची पलट देंगे तो चेहरे स्याह हो जाएंगे, चेहरे स्याह हो जाएंगे। और मेरी पीड़ा एक दूसरी भी है, जो अधिकारी विजय बहुगुणा जी की सरकार में प्रभुत्वशाली थे वही अधिकारी आज भी सरकार चला रहे हैं, कौन किसकी जांच करेगा, किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। कभी आपने सुना कि जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी को कलंकित करने वाले किसी मामले की जांच मुख्य सचिव कर ले, कोई ऐसा पराक्रमी मुख्य सचिव हो तो मुझे उदाहरण देके बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा, मैं भरोसा कर लूंगा। बताइए क्या संभव है, सचान साहब मातहत कभी बॉस की जांच करता है, मातहत कभी अपने मालिक की जांच कर सकता है क्या। मामला यह नहीं कि भाजपा क्या मांग कर रही, मामला यह नहीं कि अनिल शर्मा ने क्या लिखा रिपोर्ट में, मामला यह है भ्रष्टाचार हुआ है,
उस भ्रष्टाचार ने देवभूमि को कलंकित किया है, उसमें संलिप्त हर एक आदमी कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे भूतपूर्व हो गया हो, उसकी जेल यात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। वो जेल यात्रा चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट से सुनिश्चित हो तो वहां से हो, सीबीआई से हो तो सीबीआई से हो, एसआईटी बनाने से हो तो एसआईटी बनाई जाए, और अगर सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से संभव हो तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। लेकिन सारे अपराधी जेल नहीं जाएंगे तब तक देवभूमि को संतोष नहीं होगा, उसके माथे पर लगा कलंक मिटेगा नहीं। जांच को लेकर सीबीआई की बात भी कही गई लेकिन मुख्यमंत्री उसे साफ मुकर गए। लेकिन अब सवाल लगातार ये खड़े किए जा रहे हैं, किशोर उपाध्याय तो वैधता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स पर। दसमाना जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की वैधता तय करते हैं? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति की मर्यादा होती है, हर एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं और कानून से ऊपर उठ करके कोई नहीं होता। उन्होंने सिर्फ सूचना ही तो दी है? नहीं नहीं, सूचना दी है, आप पूरी बात सुन लें। जी जी, सूचना दी है, उनको कोई जजमेंट देने का अधिकार नहीं है, पहली बात। उनको किसी सिफारिश करने का अधिकार नहीं है, उनको सूचना देने का काम है। आरटीआई एक्ट में आप मुझे कहीं बता दें, सूचना के अधिकार कानून में कहीं किसी भी अधिकारी को, चाहे वो सूचना आयुक्त हो, सूचना के मुख्य आयुक्त हो, वो सेंट्रल उसमें बॉडी में आयुक्त हो, ठीक जी, लेकिन मैं समझता हूं उनको कहीं कोई जजमेंट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उनको सूचना देने का अधिकार है, एपिलेंट अधिकारी हैं, अगर कोई सूचना नीचे का लोग सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है उसको दंडित करने की शिकायत किसी ने की है, अपील किसी ने की है, हमने कभी इस बात को विवादित नहीं किया कि उन्होंने सूचना क्यों दी। हमारा कहीं इस बात से कोई मतभेद नहीं है कि उनसे उनको सूचना देना था, अगर सूचना मांगी गई थी, सूचना उन्होंने दी, बहुत अच्छी बात है। और मैं अमिताभ जी, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि सरकार ने पहले दिन ही जो सूचना प्राप्त हुई और सार्वजनिक हुई, उसको सार्वजनिक सूचना को उसका संज्ञान लेकर के राज्य के मुख्य सचिव को उसका जांच अधिकारी बना दिया, 15 दिन उसमें दिए गए। अब 15 दिन इंतजार करने में क्या दिक्कत है? ठीक आपकी बात, क्या ठीक आपकी बात अमिताभ जी, जी आप कह रहे 15 दिन, अमिताभ जी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, जी जी जी, सीबीआई जांच की मांग हो या कोई जांच की मांग हो, जिले में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो सूचनाएं आई हैं, चाहे वो पेट्रोल डलाने की हो, चाहे ऑटो रिक्शा से संबंधित हो, मोटरसाइकिल से संबंधित हो, मीट मछली खाने का हो, चिकन खाने का हो, आधा लीटर दूध 194 रुपए लेने का हो, ठीक है ठीक है। अब इसमें कहां कोई पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या मैं बताऊंगा, धैर्य रखिए, आप 15 दिन कह रहे, मैं तो कह रहे 5 मिनट रुकिए, मैं प्रमाण दे दूंगा। धस्माना साहब, आज मैं एक सेकंड, आपकी बात आई, आज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हुआ जी। सूचना आयुक्त ने, मैं कहता हूं, अपनी हद लांग भी दी तो भी समाज के भले के लिए हदें लांघी जानी चाहिए। जब लूट के लिए हदें लांघी जा रही हैं, सुरक्षा एक सैन्य मित्र, अब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बोलने के अधिकार का सम्मान कर रहा था दसमाना साहब, ऐसे नहीं जी, है ना। तो भारत के लोक जीवन में शुचिता के लिए 100 दफे लांघी जानी चाहिए सीमाएं, ऐसी बांझ सीमाओं का क्या फायदा जिनके अंदर भ्रष्टाचार पनपता फूलता पुष्पित पल्लवित होता रहे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि दूध 146 रुपए का, मोटरसाइकिल में कार का बिल लग गया, इससे कोई जेल जाता है क्या मुख्यमंत्री? मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश करूं, सचांग आपको याद होगा, वो लोग इनकी तीसरी धारा के लोग हैं, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव चार्जशीटेड हुए, उसमें सबसे बड़ा एक जो वो था साक्ष्य लगाया गया, वो लगाया गया कि स्कूटर के नंबर पर ट्रक के ढुलाई का बिल लगा दिया गया था चारे का, और लालू जी जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, गए ना जेल। मसला ये नहीं, मसला ये है, मैंने कहा 2 चावल निकाल के रखे हैं अनिल शर्मा ने, पूरी देगची पलट दूंगा, और ये अनिल शर्मा जी ने जो कहा वो आपको चौंका सकता है, मुन्ना सिंह जी को भी कहो चौंका रहा हो, मुझे पता नहीं, अभी बोलेंगे तो पता लगे, सत्यनारायण जी को चौंका रहा हो, मुझे नहीं। मैं तो पहले दिन से जब से आपदा आई थी यही चिल्ला रहा था, लूट हो रही है, मैंने दृश्य दिखाए थे लूट के,
आपदा राहत सामग्री सरकारी अधिकारी अपने सरकारी वाहन में भर के घर ले जाते हुए का विजुअल मैंने दिखाया था। कौन जिम्मेदार है? ननकू जिम्मेदार है मेरे गांव का। मैंने यह दृश्य दिखाया था, देश भर के राज्यों से आए, बिहार से आया अनाज, पंजाब से आया अनाज सुअर खा रहे, मैंने दृश्य दिखाया था। मैंने बहुरा जी से सवाल किया था कि बहुरा जी आप संभाल नहीं पा रहे हो। मैंने सवाल किया था कि सैकड़ों करोड़ रुपया आप कह रहे हो बट गया और जनता मेरे सामने मेरे माइक पर बोल रही है एक रुपया नहीं मिला, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे। तब मैंने सवाल किया था रुपया खाया जा रहा है, मैंने किया था। अनिल शर्मा की बात मुझे नहीं चौंकाती ना। और 15 दिन इंतजार धस्माना साहब, ऐसे मुद्दे पर दुनिया भर में जिससे पार्टी कलंकित हो, समूची पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाए, नेतृत्व खड़ा हो जाए, उसकी जांच उसी पार्टी की शासन में अगर बाबू कर ले तो उस जांच पर भरोसा नहीं होगा, ये जान लीजिए। शासन में लोकलाज बड़ी चीज है, लोकलाज बड़ी चीज है। राम ने कहा, वाल्मीकि ने के राम ने कहा, मृत्यु से नहीं डरता, लोक निंदा से डरता हूं, लोक निंदा से। इस ये जो क्या रविशंकर नाम है आपके मुख्य सचिव का, रविशंकर, हाँ, एन रविशंकर से चाहे जो लिखा लीजिए काला पीला, उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों में एक भी नहीं मानेगा। केवल मानेंगे तो किशोर उपाध्याय जी मानेंगे और दूसरा व्यक्ति कोई मानेगा नहीं, तीसरा। ये जान लीजिए उनकी रिपोर्ट, वही पढ़ेंगे, वही वाचेंगे, वही मानेंगे और कोई नहीं मानेगा। भाजपा को छोड़ दीजिए, भाजपा क्या करी, न तो भाजपा उत्तराखंड है न कांग्रेस उत्तराखंड है, इन दोनों से बड़ा उत्तराखंड है, कोई नहीं मानेगा। मित्र, मेरी पीड़ा यही है, जांच वो कराइए जिस पर लोगों को भरोसा हो। सचान साहब, आप बुजुर्ग राजनेता हैं, ये भ्रष्टाचार के खुलासे आपको लगता कोई नई बात है जो उस वक्त समझ नहीं आई थी हम लोगों को? अमिताभ जी, आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल, मैं केवल कांग्रेस को ही नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री को इमीडिएटली, जब वो भूपेंद्र कुमार आरटीआई एक्टिविस्ट जब सूचनाएं लाई गई, इमीडिएटली, क्योंकि वो सब ऑथेंटिक सूचनाएं हैं, प्रमाणित सूचनाएं हैं, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज होकर के उसमें मुख्य सचिव से जांच कराने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। उसी दिन कह देना चाहिए था कि इन सब पर इमीडिएटली कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, एफआईआर दर्ज हो और आईओ वो फाइंड आउट करेगा इसमें हो क्या रहा है। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब वो भाटी आयोग बनाता है, कांग्रेस की सरकार अभी तक सचान साहब, एक निवेदन करूं, बाकी सारे घोटालों से ये उत्तराखंड में तो छोटे छोटे चिंटू पिंटू टाइप घोटाले हुए होंगे जिनका वॉल्यूम बहुत छोटा, चूंकि सुबह छूटा है। मैं तो कह रहा हूं 2G जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा था कि मैंने इतने 0 नहीं देखे, उन घोटालों से भी गंदा है ये घोटाला। पूछिए क्यों, क्योंकि सुन लीजिए एक मिनट, क्योंकि इसमें मृत्यु पर उत्सव मनाया गया है, मृत्यु पर उत्सव मनाया गया है, इसलिए ये पाप हर पाप से बड़ा है, ये सबसे बड़ा पाप है। जिस तरीके से ये सूचनाएं आई हैं, ये हर व्यक्ति यहां शर्मसार हो रहा है, पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश, और विदेश से जो भी सहायता आई है वहां के लोग भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हैं। बहुत बड़ा, इससे बड़ा घोटाला शायद, ठीक है सज्जन साहब, निर्लज्जता और कोई नहीं हो सकती। मुन्ना सिंह जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, सूचना के अधिकार के तहत जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो बजरिए शासन आती हैं, थ्रू शासन, ठीक है ना, यानी शासन ने प्रमाणित करके भेजा, यही है। मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं लेकिन मोटी बात इतनी समझता हूं, है ना। तो जब आरटीआई के जरिए निकला कि भाई 250 रुपए का गुलाब जामुन, 160 रुपए का आधा लीटर दूध, तो ये स्वतः सिद्ध हो गया कि यहां भीषण और रौद्र किस्म का भ्रष्टाचार हुआ।
तो इसमें मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत थी, जांच तो उनकी होती है। जैसे अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा, मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भाई डेढ़ एक लीटर दूध 300 रुपए का पी गए धसमाना जी, तब जांच कराओ। ये धसमाना जी कहे मुन्ना सिंह जी पी गए तो जांच कराओ, ये तो सरकारी सूचना है और सरकारी जांच करा रही। मैं समझा नहीं, ये उल्टे बांस बरेली क्यों क्यों जा रहे हैं? अमिताभ जी जी, मुझे थोड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है। धसमाना जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जानकार हैं, और बहुत ही संवेदनशील विषय पे आप इस चर्चा को लाए। मैं भी बहुत व्यस्तता से कूद फांद करके इसमें पहुंचने का प्रयास किया। इन्होंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया उस विषय को। आरटीआई जो कानून है, यदि उसके, आप तो जानते हैं, आपने संसद और असेंबलीज को कवर किया है, जब बिल आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आते हैं। जब बिल लाते हैं आते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जी, तो ऑब्जेक्ट्स और रीजंस जो आरटीआई एक्ट का, यदि उसको पढ़ेंगे तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि आरटीआई एक्ट अपने आप में केवल एक सूचना दिए जाने तक सीमित उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि बेसिकली उसका जो विसल ब्लोअर है पूरे करप्शन के गैमट में, जो करप्शन का पूरा मकड़ जाल है उसमें वो विसिल ब्लोवर है, और जो सूचना मांगता है उसको भी विसिल ब्लोवर कहा गया है। सच में यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ही, जैसा आपने कहा, चावल के चार दाने उठा करके करप्शन को, के जो रैकेट को, उसको बस्ट करना है। और इसमें तो केवल संदेह नहीं, मैं मानता कि साहब एक दो नंबर कोई गड़बड़े लिख दिए ना, मालूम पड़ रहा है कि कार का नंबर है कि स्कूटर का नंबर है, ह्यूमन एरर है। मैं कहता कि आपदा के समय में, अफरा तफरी के माहौल में अमिताभ जी, ह्यूमन एरर हो जाती है। नंबर भी साफ लिखे हैं, नंबर में कोई गलती नहीं है, यूके नंबर है कि यूपे नंबर है, 2234 है कि 2236 है, सब कुछ बहुत साफ लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि ट्रक की जगह नंबर आ गया स्कूटर का, फर्क सिर्फ इतना रह गया कि डीजल की गाड़ी की जगह पेट्रोल का गाड़ी आ गया, और कीर्तिमान रच दिया कि डीजल से चलने वाले स्कूटर भी उत्तराखंड की सरकार ने इजाद कर दिए, डीजल से चलने वाले स्कूटर जो आज तारीख तक भारत में बने नहीं। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं धसमाना जी सूचना आयोग को तो खाली सूचना देने का काम है। गलत कह रहे हैं, मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि सूचना आयोग के रिकमेंडेशन पर इसी उत्तराखंड के अंदर सरकारी अधिकारी निलंबित हुए, सूचना आयोग के रिकमेंडेशन पर विभागीय कार्रवाई इस उत्तराखंड के अंदर हुई। तो यदि यह सब हुई है तो सूचना आयोग के सिफारिश पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो सकती, एसआईटी की जांच क्यों नहीं हो सकती? अमिताभ जी, नहीं अमिताभ जी, एक गंभीर सवाल में, जो मैंने आपकी चर्चा में सुना, जिस प्रकार से कांग्रेस के अधिष्ठान ने, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने सूचना आयोग को धमकाने का काम किया, वो अपने आप में, क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान इस बात को मानता है और आप भी संभवतः मानते हैं कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, सूचना आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, आयोग को, एक संवैधानिक संस्था को जिस प्रकार से धमकाने का काम, सत्ता की धौंस के आगे धमकाने का काम किशोर उपाध्याय जी ने के, वो गंभीर आपत्तिजनक है और निश्चित रूप से उसकी सर्वथा निंदा होनी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने धमकाने का सूचना आयोग को काम किया। ठीक बात मुन्ना सिंह जी, फिर आते हैं अपन। धसमाना साहब, सरल सरल बात अपन करें, जब आपदा आई थी तो आप लोग को याद होगा हर दिन कई दिनों तक, कई हफ्तों तक हम लोग केवल इसी पर बहस करते थे, घंटों घंटों, है ना। और मैंने एक और भी वाक्य कहा था, वो भी बहुत जनता के कंठ में विराजा था, कि घर में लाश रखी हो तो घर वाले सिनेमा देखने नहीं जाते, याद है ना आपको धसमाना साहब, जब लंदन चले गए थे लोग, लंदन कहां, लंदन खेलकूद देखने, तो मैंने ये बोला था। खैर, इस बात पर भी बहस हुई थी कि उत्तराखंड की सरकार ने आपदा कब आई माना, उसके कान में कब पहुंची, तो था कि भाई जिस दिन आपदा आई उस दिन संडे था, इसलिए बाबू चपरासियों ने कहा कि आज तो सरकारी छुट्टी है, अब आपदा के बारे में कल ही सूचना प्रेषित की जाएगी, आज तो छुट्टी में तो कोई सूचना देने लेने का चलन हमारे यहां है नहीं। ठीक, इस पर बहस भी मैंने की थी, मुख्यमंत्री जी को घेरा भी था। खैर, उसमें एक खुलासा और भी है जघन्य किस्म का,
6600 समथिंग आपदाग्रस्त लोगों को पैसा, छतरी और वो क्या क्या है, पॉलिथिन और तंबू कनात और खाना पीना सब बांट दिया। कब? उस तारीख को जिस तारीख में सरकार के पास सूचना ही नहीं थी आपदा की। ये तो ह्यूमन एरर नहीं हो सकती। ये तो जो हमारे यहां बड़े बूढ़े कहते थे कि भैया चोर कितना भी सयाना हो, एक न एक चीज तो छोड़ के जाएगा जिससे पकड़ा जाए, कैसे मान ले। और मूल प्रश्न आरटीआई से, जो मैंने कहा आरटीआई से जो भी सूचना आती है वह सूचना सरकार द्वारा अधिप्रमाणित होके आती है। धस्माना साहब, आरटीआई से मिली हुई सूचना को सरकार के दस्तावेज के समकक्ष लीगल सेंटिटी हासिल है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। फिर उसकी जांच क्या होगी? ये तो सरकार के जरिए, अनिल शर्मा ने तो बिल बना ले लिए, न कहीं से छीन लाए न चुरा लाए, सरकार के जरिए आती है सूचना। तो सूचना का और कोई माध्यम नहीं। पार्लियामेंट में कोई सूचना दी जाए उस पर कोई जांच करेगा बाबू? विधानसभा में कोई सूचना दे मंत्री अपने विभाग की उस पर कोई बाबू जांच करेगा? बोले जांच करो भाई, सच है कि झूठ है? ऐसा हुआ क्या कभी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला हो कि उत्तराखंड में इतने अस्पताल हैं तो उसकी जांच कोई फिर बाबू करेगा कि सच है कि झूठ है? दसवान साहब, अमिताभ जी, दो बातें जी। पहली बात तो यह है कि मैं जो सूचनाएं दी गई हैं उनकी प्रमाणिकता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई सूचना गलत दी गई। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऑटो रिक्शा रुद्रप्रयाग में और चमोली में जा सकता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में कोई ऐसा स्कूटर इजाद हो गया जिसमें डीजल डल सकता है। ये सारी बातें जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं पर कोई कत्ल होता है तो कत्ल के बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उस पोस्टमार्टम के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं कहीं किसी अधिकारी को, किसी अगर कोई राजनेता भी इन्वॉल्व है उसको भी किसी के बचाव में यहाँ पर नहीं हूँ। मुझे जो कहा गया था कि आरटीआई साहब ठीक है, एक सर बहुत दिल का सवाल पूछ लूं, उस समय के मुख्यमंत्री जी की पहली प्रतिक्रिया मालूम क्या थी? मुझे शर्म आई, पता नहीं आप लोगों को आई कि नहीं आई, क्यों नहीं आई ये नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई थी जब मैंने उनको एएनआई पे कहते सुना। कह रहे भाई जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो दाम बढ़ जाते हैं चीजों के, इसमें क्या इतना ह्यूमन क्राई? ये माननीय की पहली प्रतिक्रिया थी। इस प्रतिक्रिया ने उत्तराखंड का चेहरा झुका दिया, उत्तराखंड का माथा झुका दिया। ऐसी प्रतिक्रिया के बाद हम क्या उम्मीद करें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परसों भी आपके यहां मैंने आकर के यही कहा था कि जो एक बयान आया इस प्रकार का कि नेपाल में 400 रुपए की कोई बिस्तरी मिल रही है, मिली है आप पहले उन्होंने 400 का, उसके बाद वो 300 पे आ गए थे। थोड़ी देर बाद और पूछते तो 200 पे रेट लिया था। साहब जी प्लीज मेरी बात पूरी होनी चाहिए। जी जी जी, मैं इस बात से आप भी, आपको मालूम है चाहे 1991 का उत्तरकाशी का भूकंप रहा हो, 99 का रुद्रप्रयाग चमोली का भूकंप रहा हो, चाहिए आपदा रही हो, हम लोग सारे पॉलिटिकल लोग रिलीफ के लिए जाते हैं, हम लोग गए हैं और हमको मालूम है कि ऐसे समय में कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों का फायदा भी उठाते हैं। स्वार्थी तत्व, असामाजिक तत्व इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा होता है। अगर हम खुद साहब गुंडे मवालियों द्वारा की गई लूट, मैंने वो विजुअल भी चलाए, मुझे पूरी आपदा आंखों में बसी है, मैंने वो विजुअल चलाए। एक दिन जब मवाली जो है वो हाथ काट लेंगे कंगन के लिए, पांव काट लेंगे बिछिया के लिए, मैंने वो विजुअल चलाए। लेकिन सरकार के लोग लूट करें और मवाली लूट करें, उन दोनों में अंतर होता है। ये सरकार की लूट थी, ये सिस्टम के द्वारा प्रायोजित लूट थी, इसलिए आपत्तिजनक है। गुंडे ने गुंडे की, इसमें कौन सी खबर है? गुंडे ने गुंडे की कौन सी खबर है? सरकार गुंडे करेगी तो खबर होगी ना, सरकार लूटने के लिए बनती है नहीं ना। और इसी चैनल पर आपके मंत्रियों ने, मैं नाम ले लूंगा, इन्हीं मंत्रियों ने बैठ के मुझसे कहा था, मैंने कहा था तुम लोग सहायता क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, तो कहा था अग्निहोत्री जी वहां जानवर भी नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थितियां बन गई है, वहां ऑटो दौड़ गया। इसी सरकार के मंत्री तो बदले नहीं ना, कोई केवल मुख्यमंत्री बदला है ना, इन्हीं में से सारे मंत्री आके बोलते थे कि अमिताभ जी थोड़ा समय दीजिए,
वहां ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई, जानवर भी नहीं जा सकता कि चलो जिसकी पीठ पे लाद के बोरा भेज दे। वहां ऑटो चलने लगा, मोटरसाइकिल जाने लगी, कार जाने लगी, मतलब लूट के लिए कोई यह भी नहीं सोचा कि किस ढंग की व्यवस्था हम बना रहे हैं उत्तराखंड में। मुन्ना सिंह जी, यही डायलॉग मैंने सुने थे मंत्रियों के, मैं फुटेज निकलवा चलवा दूंगा चैनल पर कि देखो मंत्री क्या कह रहे हैं। अमिताभ जी, मुन्ना सिंह चौहान जी अभी दसमाना जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तमाम चीजें जो आई हैं उनकी सत्यता पर ये सवाल नहीं उठाया। दसमाना जी आपने यही कहा था ना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच हो जाने दी जाइए। जब आपदा आई थी ये पूरा घोटाला हुआ था, सरकार ही नहीं की थी, मुख्यमंत्री ही तो बदले हैं, अधिकारी भी वही थे, तो क्यों ना पहले उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद अगर जांच की खाना पूर्ति है तो वो भी कर ली जाए। मुन्ना सिंह चौहान जी, देखिए गायत्री जी, मैं वापस अमिताभ जी की उस टिप्पणी पे जा रहा हूं कि ये पूरे चावल के एक पतीले से दो दाने निकाल के देखे। ये एक तरीके से इस डिस्क्लोजर से हमें एक लीड मिली है, एक स्ट्रिंग मिला है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, देखिए दो बातें हैं, एक तो हम तुच्छ स्वार्थों के लिए संस्थाओं को बर्बाद करने की बात ना करें, और ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रामाणिकता के साथ इसे कह रहा हूं, आज मैंने दिन में पीसी किए, मैंने उसमें कहा है इस बात को नैनीताल के अंदर कि ये केवल घोटाले का एक एस्पेक्ट है। सरकार के क्यों रोंगटे खड़े हो गए, सरकार क्यों बचती फिर रही है, उसकी वजह है अभी जिन लोगों को आपदा राहत बांटी गई उसमें अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दें। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनकी बेशुमार बर्बादी हुई, उनको मार्जिनल राहत देकर के रफा दफा कर दिया गया, और जिनका एक पैसे की क्षति नहीं हुआ, वो लाखों रुपए के चेक लेकर के घर को गए, जिनके सत्ता प्रतिष्ठान से संबंध थे, जो सत्ताधारी दल के करीब थे, जिनकी सत्ता में हनक थी। इसलिए मैं फिर जोर देकर के कह रहा हूं, यदि इस घटना की सीबीआई जांच होती है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएंगे। जो अमिताभ जी कहते थे कि आपदा आई और संपत्ति लाई, वो बात प्रमाणित हो जाएगी कि आपदा के नाम पर किस तरीके से लोगों ने घर को भरने का काम किया, किस तरीके से लूटने का काम किया, किस तरीके से फर्जी तरीके से आपदा राहत राशि डकारने का काम किया। मैं दावे के साथ, संभवतः ये उपयुक्त समय नहीं होगा, नहीं तो जिस क्षेत्र का मैं भी निवासी हूं, जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं, यमुना नदी के बाढ़ से प्रभावित रहे, जिसकी एक फूटी कौड़ी का नुकसान नहीं हुआ, वो दो लाख रुपए के दो दो लाख रुपए के चेक लेकर के घर को गए, जिनके घर बर्बाद हो गए उनको 1700-1900 रुपए का मुआवजा देकर के चलता कर दिया गया। प्रमाणिकता के साथ इस बात को कहें। ठीक बात, सचाम साहब, देश भर से राहत की राशि आई, मैं उस राहत की राशि की बात नहीं कर रहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से आई, ठीक है ना, वो तो लिखित प्रत में आई, देश भर से आपदा राहत आई, कैश नगद में आई, सामान में आई, इतनी आई कि उत्तराखंड की भूमि कम पड़ गई उसको रखने के लिए, सुअर खाने लगे अनाज, भरे हुए ट्रक वापस लौट गए, उतरवाने वाला कोई नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों से राहत सामग्री आई, भारत के तमाम राज्यों ने व्यक्तिगत स्तर पर पैसा भेजा, यानी कई स्रोतों से पैसा आया। मैं सामान की बात नहीं कर रहा, बिस्कुट बिस्कुट खा भी गए तो चलो ठीक है, भगवान आपका भला करे, सेहत बना ली बिस्कुट खा के, ठंडा पानी पी के, चलो ठीक है, लेकिन जो पैसा आया, क्या इतना समय बीत जाने के बाद सार्वजनिक जीवन में लोकलाज की मर्यादा, नैतिकता की मर्यादा यह नहीं कहती कि एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए था जनता के समक्ष कि यहां यहां से इतना मिला, इस काम में ये खर्च किया। सचान साहब, सब कुछ अंधेरे में खेलोगे? अग्नोत्री जी, जो आज का मुद्दा ये इतना गंभीर और संवैधानिक भी है, इसमें सबसे बड़ा एक और बात जो आती है कि एक आरटीआई एक्ट के तहत सत्यनारायण जी, आरटीआई को छोड़ दो अभी दो मिनट के लिए, आरटीआई हो गई ना, मेरा सवाल है श्वेत पत्र क्यों नहीं आया, जब सैकड़ों तरफ से पैसा आया, सैकड़ों सोर्सेस से फंड आए, उन फंड का क्या उपयोग दुरुपयोग हुआ, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए था,
दूसरा जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि कार्रवाई जांच की जो बात कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट इस वजह से है कि उसकी सत्यता हाई कोर्ट में भी जब कोई आरटीआई के तहत जो पेपर सबमिट किया जाता है हाई कोर्ट ये नहीं कहता है कि इसकी जांच हम कराएंगे। एक जो डॉक्यूमेंट है ये मुख्यमंत्री ने और जो किशोर उपाध्याय जी ने एक कंटेम्प्ट किया है, एक इस पर भी एक बहस होनी चाहिए इमीडिएटली। मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें इमीडिएटली इसमें चीफ सेक्रेटरी जांच क्या करेगा, क्योंकि अगर जांच करता है तो कंटेम्प्ट है एक संवैधानिक जहां पर, क्योंकि जो जुडिशरी का उसको अधिकार प्राप्त है एक सूचना आयुक्त को, और उसकी जांच एक चीफ सेक्रेटरी करेगा, मेरी तो यही समझ में नहीं आता है। और जहां तक एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए था जो सरकार ने नहीं किया। अग्रोती जी मुझे उस दिन भी आपका सेंटेंस याद है कि आपदा आई संपदा लाई, वो मुझे अब भी वो एक आम एक नारा सा बन गया था पूरा। धस्माना साहब वही सवाल आपसे, विभिन्न स्रोतों से पैसा आया, व्यक्तिगत स्रोतों से आया, राज्यों से आया, सार्वजनिक निकायों से आया, सार्वजनिक निगमों से आया, एनआरआईस के जरिए पैसा आया, तब केंद्र से पैसा आया, ठीक। झोली भर गई, झोला भर गया, बोरा भर गया, तम्बू कनात भर गया, इतना पैसा आया देश दुनिया से अपने भाइयों को बचाने के। एक ही समुद्र था, सब पैसा सरकार के पास आ रहा था, उसी के फंड में गिर रहा था, ठीक। सवाल है, आपने अच्छा किया बुरा किया, पाप किया पुण्य किया, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी विभिन्न स्रोतों से आई सार्वजनिक धनराशि का, ये कोई घरेलू चैट तो था नहीं, लड़के का ब्याह में तो न्योता आया नहीं था कि जेब में रख लिया, इस पर एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हुआ जी? अमिताभ जी, बड़ी रिस्की बात मैं कह रहा हूं जी, जी मेरे लिए व्यक्तिगत रिस्की हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं जो आपने बात कही है। नहीं, कहना चाहिए जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, वो विधि के हाथ है। हाँ, थोड़ी चिंता मत करिए। मैं एक बात आपकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हम लोग भी उस प्रोसेस में थे, हम लोगों से अपील भी कर रहे थे, पूरे देश और दुनिया से अपील कर रहे थे, और बहुत सारी संस्थाएं ONGC ने जब दिया पैसा 2 करोड़ रुपया तब भी मैं साथ में था, यूनियन बैंक ने दिया, कई बैंक्स ने दिया, देश के बड़ी बड़ी बड़े बड़े घरानों ने दिया, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बड़े अमाउंट इस प्रदेश के अंदर राहत के नाम पर दी गई। और जो आपने बात कही कि पूरी आपदा में जितना पैसा आया, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी से आया, चाहे वो प्राइवेट पार्टी से आया, चाहे लोगों ने दिया, इसका श्वेत पत्र की जो आपने बात कही है, इस बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि एक ना एक दिन सरकार को सारे लेखा जोखा के साथ पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, पुनर्निर्माण क्या हुआ, ये सारी बात निश्चित तौर पे श्वेत पत्र वाली जो आपकी बात है मैं स्वयं इससे सहमत हूं, श्वेत पत्र जरूर आना चाहिए। एक ना एक दिन से क्या मतलब धस्माना जी? जी एक ना एक दिन से क्या मतलब? आपको 5 साल ही तो मिले हैं सुबह में। गायत्री जी, एक ना एक दिन से मतलब ये है, आप निकाल चुके हैं। देखिए मैं एक मिनट, पुनर्निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पुनर्निर्माण का काम जारी है। और होता क्या है, एक मिनट अमिताभ जी प्लीज, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूं, मैं तो आपकी बात नहीं, आपके आपके साहस का मैं सराहना करता हूं, कांग्रेस पर रह के बोलना बड़ी बात है, मैं समझता हूं चीजों को, जनता के सामने आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसके समर्थन करता हूं। एक बात, एक सराहना और अपनी बात कह रहा हूं कि सचान साहब ने एक बात कही कि अपने आप में कंटेम्प्ट है मुख्यमंत्री, तो सूचना आयुक्त भी तो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करो, वो जांच करने के लिए क्यों कह रहे हैं अगर वो कंटेम्प्ट है? विपक्ष सारा ये क्यों कह रहा है कि सीबीआई की जांच करो, वो कंटेम्प्ट नहीं है क्या? अगर जांच ही चाहे वो सीबीआई करे, चाहे मुख्य सचिव करे, चाहे वो दरोगा करे, चाहे कोई करे, आप भी जांच की बात कह रहे हो, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं और मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं आपके चैनल में कि एक नए पैसे का भी जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है धर्मानंद साहब, इसमें एक बात मैं कहूंगा, संवैधानिक संस्थाएं कई बार, मुन्ना जी आ रहे हैं, कई बार उनके प्रमुख भावनाओं में बहकर कुछ सीमा का अतिक्रमण करते हैं, मैंने तो लोकसभा में ही देखा, सोमनाथ बाबू थे, भैया धर्मानंद साहब एक मिनट, सोमनाथ बाबू थे, उनको बीपी की शिकायत थी,
जब सांसद ज्यादा उत्पात करते थे तो वो कई बार सीमा का अतिक्रमण कर जाते थे, बोल जाते थे, लेकिन उन पर संवैधानिक संस्थाओं पर कंटेम्प्ट नहीं लगता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई बार अनवॉरंटेड टिप्पणियां करते हैं, कंटेम्प्ट में नहीं आते। हाई कोर्ट के जजेस करते हैं, कंटेम्प्ट में नहीं आते। सूचना आयुक्त भी कंटेम्प्ट में नहीं आएंगे, जान लीजिए। लेकिन संवैधानिक संस्था की जांच कोई सरकारी मुलाजिम करे, यह उल्टे बांस बरेली को, जो मैंने शुरुआत में मुहावरा कहा था वही है। आज तक ऐसा हुआ नहीं। हाई कोर्ट के फैसले की जांच बापू करेगा? अध्ययन किया जाता है फैसले का, सिर्फ संवैधानिक संस्था के निर्णयों का अध्ययन किया जा सकता है, जांच नहीं। जांच तो वो खुद ही है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, फिर कहेगा क्या क्या जांच करेगा कोई बाबू? आप अध्ययन करिए और लागू करिए। अगर ये सरकार ये बोलती है, एक सेकंड, जांच नहीं है, माफ करिए अमिताभ जी, माफ करिए अमित, अनिल शर्मा की जांच नहीं है वो, नहीं, नहीं। वो अनिल शर्मा ने सूचना दी है, इट इज इन्फॉर्मेशन भाई, मैं वही तो निवेदन आपको मालूम है। किशोर उपाध्याय सवाल उठा रहे हैं ना? अरे छोड़ो किशोर उपाध्याय को, किशोर उपाध्याय कोई इस भारत का संविधान है? धस्माना जी, मैं दूसरी बात कह रहा था, आप समझे नहीं जी। मेरा निवेदन ये था मित्र, जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो सूचनाएं आई हैं, वो सूचनाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एज ए लीगल एविडेंस मान्य होती है, फिर जांच क्या कौन करेगा? फिर ये क्या जांच करेगा अधिकारी? यही तो मैं कह रहा हूं। तो कौन चैलेंज कर रहा है उनको? अरे तो फिर काहे की जांच करेंगे? गुल्ली डंडा खेलेंगे क्या? चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे? किसने पेट्रोल डलवाया, किसने डीजल डलवाया, किसने? नो 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 नो, जिन इलाकों में नहीं, मेरे धस्माना साहब ईमानदारी की बात करिए ना, आप इतना रिस्क ले लिए और हाथी निकल गया, पूछ पकड़े हुए हो, काहे को प्रतिष्ठा खराब करोगे ना? अरे धस्माना साहब, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा भाई, आप मेरे मित्र हैं। बचाव नहीं कर रहा हूं मैं, बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूं। मैं प्रोसेस ही बता रहा हूं, मैं जैसे एक सेकंड मुन्ना जा रहे हैं, एक लेमैन की तरह बात कह दूं, मेरे पास रिपोर्ट आई, सूचनाएं आई, ठीक, मुझे कार्रवाई करनी है, मैं सरकार हूं, मैंने खट से चश्मा लगाया और देखा, बोले पौड़ी गढ़वाल कौन तैनात था? बोले भाई मुन्ना सिंह चौहान जी वहां डीएम तैनात थे। ठीक, अच्छा है, ये किसने बिल सर्टिफाई ओके किए? बोले मुन्ना सिंह जी ने। बोले भाई मुन्ना सिंह जी को फौरन इनके खिलाफ वारंट जारी करो, मुकदमा लिखाओ, इनको जेल भेजो, फिर बाकी बाद में देखेंगे। ये 200 रुपए का समोसा कैसे खा गए, कैसे इन्होंने दस्तखत कर दिया, ये तो प्रमाणित बात है। इतना कर देते उसके बाद हम जानते कि आपका बड़ा मन जो है वो पवित्र है और बिल्कुल आप देव भूमि के लिए भावुक हो रहे हैं। ऐसा नहीं किया ना, चीजों को इस देश में जांच तब कराई जाती है जब चीज को ठंडे बस्ते में डालना हो। सचान जी देखिए, इसकी जांच सबसे पहले तो जो भी प्रकरण सामने आए हैं, अरे साहब दो दो लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, इमीडिएटली आत्महत्या में सुसाइड नोट लिखा है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के नाम लिख करके छोड़ा है, प्रकरण बहुत बड़ा है। इस वजह से चाहे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी से जांच हो या सीबीआई से जांच हो, जांच इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इमी सबसे पहले तो जो भी प्रकरण सामने आए हैं, जितने भी आरटीआई के तहत ये जो प्रपत्र आए हैं, इसमें इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और उसके साथ ही साथ जांच, क्योंकि बहुत जो अभी मुन्ना चौहान जी ने बात उठाई है, ये वस्तु स्थिति है, पूरा का पूरा ठीक है, पूरा आपदा राहत राशि की जांच होनी चाहिए, कहां कहां खर्च हुई, कैसे कैसे दिए गए लोगों को, उसका कारण है मुन्ना जी, की कमी है मुन्ना जी। शर्मा जी ने सिफारिश इसलिए की कि सूचना अधिकार के तहत हर चीज की सूचना लिया जाना पिटिशनर के लिए संभव नहीं होता, आरटीआई कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं होता। ठीक है मुन्ना जी, व्रत जांच होगी तभी डिस्क्लोजर होगा। ठीक है मुन्ना जी, आपकी बात आई, सचिन साहब आपकी बात आई, अच्छे सुझाव था। मैं दो तीन बात कहूंगा अंत में इस चर्चा को विराम देने के लिए। पहली चीज, उत्तराखंड, सचान साहब आ गए आपकी बात, उत्तराखंड इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे घर मैंने दिखाए जिन्होंने अपना राशन तीर्थयात्री फंसे हुए तीर्थयात्रियों को खिला दिया और अपने बच्चे भूखे सुला दिए। ये था उत्तराखंड, ये था उसका हृदय, आपदा से जूझ रहा था तब भी उसके माथे पर कालिक पोत दी आपने। ये भ्रष्ट नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया। धस्माना जी, इसके लिए रामपुर तिराहे पर गोली खाई थी लोगों ने,
इसके लिए माताओं ने अपने प्रतिष्ठा की कुर्बानी दी थी, इसके लिए माओं ने बच्चे शहीद करवा दिए थे, इसके लिए पत्नियों ने सूनी मांग स्वीकार कर ली थी, इसके लिए ये दिन देखने के लिए। अरे जो काम गिद्ध करते हैं गिद्ध, वो काम कर दिया हमने, शवों को नोच के खा गए, बेच के खा गए। ये मृत्यु को बेचना था, ये त्रासदी को बेचना था। आपने उत्तराखंड की त्रासदी को विश्व भर में बेचा और जो पैसा आया वो बोरे में भर भर के ले गए। ये परिस्थितियां पैदा कर दी, ये स्थितियों का निर्माण हो गया, ये बोरे में ही भरना है पैसा। पटना में एक डीएम साहब थे, वो बाढ़ के समय में बिहार में बाढ़ वाले जिले में तैनात थे, उनके बाढ़ प्रबंधन की बड़ी तारीफ हुई, टाइम्स मैगजीन ने उनका फोटो छापा, विदेश वाली टाइम्स, समझे धर्माना साहब। बाद में जांच हो गई, जेल गए, पता लगा जी कई 100 करोड़ रुपए मार लिए थे। मुन्ना सिंह जी से शोर इशारा कर रहे थे, आपदा के दौरान मैंने ये बात कही थी धर्माना साहब, आपदा के दौरान। मेरे शो यूट्यूब पर जाके देखिएगा तो ये बात मिलेगी। मैंने ये कहा था कि आपदा में सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या होती है, जो प्रक्रियागत व्यवस्थाएं हैं वो शिथिल कर दी जाती हैं इमरजेंसी क्लॉज लगा के, ठीक, और पैसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे विड्रॉ करता है और कैश बांट देता है, ठीक, उसमें चोरी की संभावनाएं अनंत हो जाती है, अनंत। इसलिए चेक रखना जरूरी था, लेकिन उस समय के मुखिया आज जो हैं, वो कह रहे हैं नहीं हो जाता, आपदा आती है तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, इसमें क्या नया। समझ आ गया मालिक कितना मुस्तैद था, ये तो मुझे समझ आ गया मालिक कितना मुस्तैद था, सुन के समझ आ गया ना कितनी मुस्तैदी से निगरानी की होगी। और आपने ये भी जरूरत नहीं समझी, देश भर का पैसा था, ये आपका ही पैसा नहीं था केवल, और आपका भी पैसा आपका जेब का तो है नहीं, मंत्री के, मुख्यमंत्री के या विधायकों के, ये जनता का पैसा है। आपने जरूरत नहीं समझी कि दुनिया के सामने हम ये रखे कि भाई इतना आया, इतना लग गया, इतना और लगेगा, ये बताने की जरूरत नहीं समझी आप लोगों ने। जो आया जेब में रखो। आपदा पीड़ित आज भी हमारे कैमरे पर कह रहे थे जी कुछ नहीं मिला, ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इनके आंसू पूछने कोई क्यों नहीं गया, ये लूट नहीं तो क्या है। पूरे देश ने मदद की थी, पूरे देश ने मदद की थी, आपने हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ा है, आपने दुनिया का भरोसा तोड़ा है। अब लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए क्षेत्र की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे, वो सोचेंगे मैं पेट काट के पैसा भी दूं। धस्माना साहब बहुत गहरी बात कह रहा हूं, समझिएगा कि आदमी सोचेगा मैं पेट काट के पैसा दूं और ये हो सकता गुलाब जामुन खा ले, इसका बिरयानी खा ले, 9,000 रुपए के कमरे में रह ले, एसी चला के मसाज करा के सोए वहां। आपने आपातकाल में मदद के रास्ते बंद कर दिए, बेईमानी इस पराकाष्ठा पर ले जाके, कौन किस पर भरोसा करेगा, विश्वास का संकट पैदा हो गया उत्तराखंड में। इससे भला तो उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बनता तो ठीक था, क्या इसके लिए सब कुर्बानियां थी, इसके लिए ये था नहीं। और जो प्रतिक्रिया आई है सत्ता प्रतिष्ठान से, वो प्रतिक्रिया भी स्वीकार के योग्य नहीं। आप तो दो दो हाथ करने उतर आए रिंग में, बोले कौन है भाई दलाल सामने आओ, अभी सीट बजा देंगे, बोले इनके फोन डिटेल निकालो। अरे उन्होंने लिखा क्या वो पढ़ो, फोन डिटेल छोड़ो, फोन डिटेल का क्या करोगे। मान लीजिए फोन डिटेल में आ जाए भट्ट से, मुन्ना सिंह चौहान से, तीरथ सिंह रावत से, त्रिवेंद्र रावत से बातचीत आ जाए तो कुछ जुल्म है बात करना किसी का किसी से, क्या करेंगे फोन डिटेल से। मुन्ना सिंह आ गया, सवाल है भ्रष्टाचार, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे आप, प्रतिक्रिया किस पर दे रहे हो, इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, इस रंग की कमीज क्यों पहनी, उस रंग की कमीज क्यों पहनी, कहां भटकाना चाहते चीजों को। गलती हुई है, बड़प्पन दिखाइए, नैतिकता दिखाइए, लोकलाज का मान रखिए, उस गलती को स्वीकार करिए, जो जो अपराधी हैं उनको दंडित करिए, राजनेता और अधिकारियों का जो नेक्सस है उसको तोड़िए। और सबसे बड़ी बात कहूंगा,
देश को यह भरोसा दिलाइए कि उत्तराखंड मदद के नाम पर आई हुई राशि का दुरुपयोग नहीं करता, यह भरोसा दिलाइए। अगर यह भरोसा नहीं जन्मा तो धस्माना साहब, आने वाली पीढ़ियां उत्तराखंड की हमको आपको कोसेगी। हम रास्ता बंद करके जा रहे हैं, रास्ता बंद करके जा रहे हैं। सबसे दुखद यह है, दादी के था ना मसल कि दादी के मरने पर दुख नहीं, उनकी तो आयु थी, लेकिन मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तो क्या करूंगा। ऐसे ही नजीर सेट कर दी उत्तराखंड में कि अब कोई मदद करने से पहले 100 दफे सोचेगा, 100 दफे सोचेगा। ऐसी बेईमानी की अमिट कथा लिखती, और मैं हैरान हूं लोग उस सूचना आयुक्त से दो दो हाथ करने पर आमादा है। क्या गलती है उसकी? सीबीआई जांच उसने लिख दिया तो गुनाह हो गया, पूरा प्रदेश मांग कर रहा है सीबीआई जांच हो। आज मैं उत्तराखंड के भाजपा के प्रभारी के साथ था, श्याम जाजू के साथ, मैंने उनसे कहा कि केंद्र की सरकार को चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करे, ये केवल राज्य का विषय नहीं, केंद्र का पैसा भी गया था, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। मूक दर्शक मत बनिए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। मैं मांग करके आया हूं, मैं भी भाजपा का आदमी हूं, मेरी भी कॉल डिटेल चेक कराएंगे। नहीं, सच का सामना करिए, कॉल डिटेलों से राजनीति नहीं चलती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धस्माना जी आपका, सचान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना सिंह चौहान जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए।